आज की वीडियो में ये तीन सुपर फास्ट बोट्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाती है केवोट आरसी इलेक्ट्रिक बोट, जो बहुत स्पीड से दौड़ सकती है पानी के ऊपर। दूसरी वाली बोट है शैडो स्टॉर्म आरसी बोट। तीसरी वाली बोट तो भाई एकदम गजब की है, ये है डब्ल्यूएल टॉयज की टाइगर शार्क बोट। चलो भाई फटाफट से पहले करते हैं तीनों की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से आज कौन सी बोट जीतती है। लेट्स स्टार्ट। इन तीनों ही बोट्स के साथ एक और कमाल का आज मैं एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ, इन तीनों की फाइट कराने वाला हूँ बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार के साथ। ये एक बहुत बिग साइज की आरसी कार है, फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ केवोट इलेक्ट्रिक बोट को। ये 14 प्लस लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी बोट खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर सारी की सारी चीजों का बाय लिंक मिल जाएगा, प्राइस भी वहीं से ही पता चल जाएगा। एक और बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है अमेजोन का, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इन तीनों ही आरसी बोट्स को खरीद सकते हो। बोट को निकाल लेते हैं, यहाँ से ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में आ जाती है, देखने में काफी ज्यादा सुपर है। डिजाइन बहुत ही ज्यादा कमाल का, यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है। पीछे की तरफ दो प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, दो प्रोपेलर्स काफी ज्यादा पावरफुल है इस बोट को चलाने के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पर सेंसर्स मिल जाते हैं, इस बोट को आप जैसे ही पानी के अंदर रखते हो ये अपने आप ही ऑन हो जाती है। इसका रिमोट भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी रिचार्जेबल बैटरी अंदर ही फिट की हुई है, इसको हम लोग बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते, यहीं से ही को चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसका रिमोट बहुत ही कमाल का मेरे को लगता है, यहाँ पे गाइस ये रहा इसका रिमोट, स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ दे रखी है। नेक्स्ट बोट है हमारी शैडो स्टॉर्म अल्फा रेव आरसी कार, इसका मॉडल नंबर है R208। बहुत कमाल का डिजाइन है कार का, देखने में ही देखो गाइस सुपर फास्ट बोट के जैसी दिखाई दे रही है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और इसका डिब्बा भी देखो यार बहुत मस्त तरीके से इन लोगों ने डिजाइन करके रखा हुआ है, और इसकी पैकिंग भी बहुत कमाल की आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गाइस इस तरह से प्रॉपरली ये पैक होकर आता है ताकि बोट वगैरह डैमेज ना हो सके। अरे यार इसकी सारी चीजें यहीं से ही गिरना चालू हो चुकी है। इसके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, इसका स्टैंड मिल जाता है, स्क्रू ड्राइवर है, और यहाँ पर एक स्पैनर भी दे रखा है, और इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी मिल जाते हैं इसके अंदर। इसके साथ ये वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, 2.4 GHz का रिमोट मिलता है, स्टीयरिंग बहुत कमाल की है। ऊपर की तरफ तीन नॉब्स मिल जाते हैं बोट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो बोट है येलो एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आ जाती है, यहाँ पर शटल आरसी बोट बोल के लिखा हुआ है। पीछे ये इसका सिंगल प्रोपेलर है, सिंगल प्रोपेलर से ही ये बोट चलती है, और इसकी टॉप स्पीड जो है 60 km/h तक जा सकती है। दोस्तों ये फुल्ली प्रोपोर्शनल आरसी बोट है। ये रही इसकी पतवार, इसकी पतवार को जो हम लोग पूरी तरीके से रिमोट से लेफ्ट या फिर राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखो गाइस यहां पर इसका फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग का रडर वगैरह लगा हुआ है, यही जो है इसकी पतवार को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। मोटर वगैरह यहां पर दी हुई है, मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर 320 की मोटर है, और वाटर कूल सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। ये है इसका बैटरी लगाने का पोर्ट, इसकी बैटरी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही इसकी बैटरी, बैटरी अच्छी खासी तगड़ी दे रखी है यार। इसके अंदर 1200 mAh 1.4 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। सामने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रबर का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, ताकि ये जो बोट है पानी में चलाते वक्त कहीं पत्थरों पर वगैरह टकराएगी तो, या फिर किनारे पर टकराएगी तो डैमेज ना हो सके, इसको लगाकर हम बोट को चला सकते हैं। ये रही गाइस हमारी तीसरी वाली बोट, यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यूएल टॉयज, और इसका नाम तो बड़ा ही खतरनाक है, टाइगर शार्क बोलकर इन लोगों ने इसका नाम लिख रखा है। चलो इसको यहाँ से मैं खोल देता हूँ। इसकी भी पैकिंग जो है बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसका नाम यहाँ पे लिखा है इंपल्स फ्रीडम 55 बोलकर। इसके अंदर जो वाटर कूलिंग सिस्टम है मोटर का, उसका जो आउटलेट वाटर है यहाँ से बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। ऊपर की तरफ स्पॉयलर मिल जाता है, ताकि ये जो बोट है पानी के ऊपर ज्यादा जंप ना कर सके, एकदम दब के चल सके। नीचे इस तरह का दिया गया है, फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी यार इस बोट की। और यार यहाँ पर देखो कितना ज्यादा शार्प डिजाइन बनाया गया है इस बोट को। ये जो पार्ट है पूरी तरीके से वाटरप्रूफ दिया हुआ है अंदर। शायद ये भी जो मोटर है 340 मोटर दे रखी है, वाटर कूलिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ये भी जो बोट है सिंगल मोटर पर चल जाती है। अब इस बॉक्स के अंदर देखो बहुत सारी चीजें मिलती है हम लोगों को, जैसे कि इसकी रिचार्जेबल बैटरी, बैटरी काफी अच्छी बिग साइज की दे रखी है, 1200 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर कुछ इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स मिल जाते हैं, इसका स्टैंड मिल जाता है, यूजर गाइड मिल जाती है, और ये है गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही बिग साइज का रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पर इतने ढेर सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्टीयरिंग भी दे रखी है, ट्रिगर काफी ज्यादा टेक्टाइल है भाई साहब। इसका चार्जर भी यहाँ पर मिल जाता है, चार्जर इन लोगों ने बहुत ज्यादा यूनिक दे रखा है। इतना बड़ा चार्जर मिल जाता है इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर तीनों ही बोट्स को मैंने रख दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों बोट जो है सेम साइज की आ जाती है, सेम डायमेंशन है दोनों का, पर फर्क यह है कि इसके अंदर डबल प्रोपेलर है, इसके अंदर सिंगल प्रोपेलर दे रखा है। सबसे बड़ी बोट जो है अपने पास डब्ल्यूएल टॉयज की बोट है, ये काफी ज्यादा बिग साइज की बोट है। तो चलो सभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट्स। गो एंड फाइट।
ओके गाइस मैं आ चुका हूं बाहर। सबसे पहले टेस्ट करते हैं डब्ल्यूएल टॉयज टाइगर शार्क बोट को, पानी के अंदर मैंने इसको डाल दिया। चलो इसको चलाते हैं। ओ भाई साहब इसकी स्पीड देखो यार बड़ी खतरनाक दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी टॉप स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और इसके अंदर से आवाज भी जो है ना गाइस दूसरी बोट के मुकाबले में बहुत अलग आती है। ओ भाई साहब मेरे पैर पे भी टकराते रह गई यार ये। जहां तक इसकी कंट्रोलिंग की बात करूं इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा ईजी है पर इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा आइडिया चाहिए गाइस क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस देखो कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है। अभी टेस्ट करते हैं कोवर्ट ऑरेंज बूट को। ये बूट के अंदर डुअल प्रोपेलर्स होने के कारण इसको चलाना बहुत ज्यादा इजी है और ये टर्न भी बहुत कम एरिया में ले लेती है। आप चाहे तो इसको स्विमिंग पूल में भी चला सकते हो। इस चलाने में बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा मजा भी आता है इसको चलाने में। अभी दोस्तों कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। क्लियरली डब्ल्यूएल टॉयज आरसी बोट काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे ऑरेंज बोट से छोटा सा पत्थर टकरा गया था गाइस, इस वजह से इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो चुकी है। फिर भी यहाँ पर देखो मैं डब्ल्यूएल टॉयज टाइगर शार्क बोट को बहुत ही लो स्पीड पे चला रहा हूं। अपनी जो ऑरेंज बोट है डुअल प्रोपेलर होने के कारण थोड़ी सी स्लो चल रही है ऐसा मेरे को लग रहा है। क्लियरली इस रेस को जीत चुकी है डब्ल्यूएल टॉयज टाइगर शार्क आरसी बोट। अभी इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं। चलो दोनों को पानी के अंदर मैं फेंक देता हूँ। ये देखो गाइस अभी कराते हैं यार एकदम तगड़ा वाला टेस्ट, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर डब्ल्यूएल टॉयज काफी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है बहुत आसानी से। देखो यार ये ऑरेंज बोट को घसीट के लेके जा चुकी है पानी के अंदर। एक मिनट रुक जाओ गाइस यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है, दोनों ही बोट यहाँ पर रुक चुकी है। डब्ल्यूएल टॉयज बोट बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रही है। ओ तेरी भाई कुछ तो गड़बड़ है। जैसे तैसे करके मैंने ऑरेंज बोट के सहारे डब्ल्यूएल टॉयज को यहाँ तक खींच के लेके आया हूँ गाइस, देखते हैं क्या दिक्कत है। ओ तेरी भाई साहब इसका प्रोपेलर ही निकल गया यार, बिना प्रोपेलर के बोट कैसे चलेगी भाई साहब, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा तो। ऑरेंज बोट के प्रोपेलर्स बिल्कुल सही सलामत है तो क्लियरली यहां पर ऑरेंज बोट जीत चुकी है। अभी टेस्ट करते हैं शैडो स्टॉर्म आरसी बोट को। ये बोट भी जो है डब्ल्यूएल टॉयज आरसी बोट जितनी ही पावरफुल है और इसकी स्पीड भी जो है 70 से 80 किलोमीटर पर आवर तक बहुत आराम से चली जाती है, बहुत फटाफट तरीके से टर्न भी ले लेती है। ये बोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, देखो इतनी ऊपर से मैंने इसको फेंक दिया है। एक कमाल का फीचर अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बोट को मैं देखो पलटने की कोशिश कर रहा हूँ ये बार बार सीधी हुए जाती है यार। इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है, आप इसको जितना चाहे पानी के अंदर पलटने की कोशिश करो ये अपने आप ही सीधी हो जाती है गाइस। ये फीचर जो है डब्ल्यूएल टॉयज बोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो यहाँ पर मैं इसको पानी के अंदर पलट रहा हूँ, देखो गाइस ये पलट के इस तरह से टहरने लगती है। अगर मान लो गाइस ये कहीं दूर जाकर पलट जाएगी तो इसको सीधा करने में भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर दोनों को पानी के अंदर मैंने फेंक दिया है और दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। पहले तो ऑरेंज बोट जीती हुई मेरे को लग रही थी पर अपनी जो शैडो स्टॉर्म बोट है इससे भी ज्यादा पावरफुल है भाई। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार क्योंकि इसके अंदर सिंगल प्रोपेलर है तो भाई इसका भी कहीं प्रोपेलर खुल ना जाए। ठीक ठाक तरीके से अभी भी चल रही है, देखो गाइस बहुत मतलब बहुत ईजी तरीके से इसने हरा के रख दिया है ऑरेंज बोट को। अभी इन दोनों के बीच में कराते हैं गाइस टग ऑफ वॉर। ये चीज मैं पहली बार करा रहा हूँ कोई बोट के साथ आरसी कार की फाइट। यहाँ पर आरसी कार मेरे को जीतती हुई लग रही है पर शैडो स्टॉर्म बोट भी कुछ कम ही नहीं, देखो पूरी तरीके से इसने इसको रोक रखा है बिल्कुल भी आगे की तरफ मूव नहीं करने दे रही थी। पर गाइस अभी शैडो स्टॉर्म बोट जो है हार मानने लगी है और बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार ने बोट को खींचना चालू कर दिया है अपनी तरफ। देखो गाइस इसको खींच के पानी के बाहर लेके आ चुकी है, क्लियरली यहाँ पर विनर है बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार। अभी देखो गाइस इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं इसके अंदर डुअल है। ये बोट बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार को हरा पाती है यानी ओ तेरी भाई ये बोट भी काफी आसानी से हार गई है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर इसका प्रोपेलर ठीक होता ना यार, अगर मेरे को इसका प्रोपेलर मिल भी जाता तो यार मैं इसकी फाइट करा के आपको दिखा देता बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार के साथ, पर बैड लक गाइस, देखते हैं इसका प्रोपेलर मेरे को मिल पाता है या नहीं। भाई मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मेरे को ये प्रोपेलर मिला नहीं कहीं भी। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों में से कौन सी आरसी बोट बहुत तगड़ी वाली लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है खुश रंजन कुमार, माया, रोनी, आयुष, गोलू, सिद्धार्थ, विनीत, अभिलाष, शान शेख, कुणाल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।